अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने सेमिनार टू में एक टॉपिक जो डिस्कस करें वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ये बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है अपने सेमिनार को जॉब कोर्स को रिसर्च बेस्ड लेके जाएंगे, यानी कि इसमें हम लोग जो है FYP को हम लोग देखेंगे, FYP के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड देन हम लोग इसमें FYP को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपको राइटिंग स्किल्स बताई जाएंगे, किस तरह से आप अपने रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं या किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन में अटेंडेंस आप लोगों की विद इन 5 मिनट हो जाएगी। जो बाकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मेरी, ठीक है, रूम नंबर, एक्सटेंशन, ठीक है, ईमेल वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिफाइन है। देन हम लोग यहाँ पे जो है कुछ आप लोगों के पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। होपफुली मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जो है इसी तरह से अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें, ठीक है, जिसमें आपके 2 क्विज़ेस होंगे 10 मार्क्स से एंड देन 5 असाइनमेंट्स होंगे 50 मार्क्स से। हर असाइनमेंट जो है वो आप लोगों का 10 10 मार्क्स का होगा एंड देन हम लोग फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों की लेंगे, जो कि आपकी बेस कर रही होगी, जो आप लोग अपना फाइनल पेपर राइट करेंगे, जिस तरह से मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि किस तरह से जो है आप लोगों को पेपर राइटिंग में आप लोगों को सिखाऊंगी रिसर्च पेपर लिखना, तो उसी के ऊपर प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे। तो वो प्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे कि मैं आपको उसके भी स्टेप्स बताऊंगी किस तरह से आप लोग जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास 20 मार्क्स की होगी एंड देन 20 मार्क्स हमारे पास फाइनल पेपर सबमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है डेवलप करेंगे बेसिक रिसर्च राइटिंग स्किल्स को। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ कि हम लोग जो इसमें डेवलप करेंगे राइटिंग स्किल्स को, जो कि हर रिसर्च बेस्ड होगा, ठीक है, और हम लोग इसमें जो है आपके FYP को एक प्रोफेशनल मैनर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से आप लोग जो है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप लोग अपने FYP की फाइनल प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों को इस कोर्स में जो भी आप लर्न करेंगे वो वहाँ पर आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं रिसर्च। बेसिकली रिसर्च हमारे पास क्या है, रिसर्च हमारे पास एक क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क है, ठीक है, जिसको हम लोग गैदर करके इंक्रीज करते हैं, जिसको अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग जो है रिसर्च करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपना कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने जैसे अपने FYP को वो किया था कि FYP में आप लोगों ने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, टॉपिक में आप लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें ये चीज़ जो है डिवेलप करेंगे, ठीक है, हम अपना ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो बेसिकली रिसर्च भी हमारे पास कुछ इसी तरह का होता है कि जिसमें हम लोग अपनी डोमेन सेलेक्ट करते हैं, जो हमारी यानी कि जिसमें हम लोग जो है एक्सपर्ट होते हैं उस डोमेन को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व निकालते हैं, प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस बेसिकली हम जब उस डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे पास नॉलेज हासिल हो रही होती है, ठीक है, एनालाइज कर रहे होते हैं उसको, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कर रहे होते हैं, जो भी हम उसमें से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम आंसर कर रहे होते हैं उस क्वेश्चन का जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली रिसर्च हमारे पास कुछ यही है कि जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, एक इंक्वायरी प्रोसीजर, ठीक है, जो कर क्या कर रहा होता है, इन्वॉल्व कर रहा था, एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है, एक्सप्लोरेशन हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, टेस्ट इनटू द लर्नर्स नीड टू नो, ठीक है, जो हमारी जरूरत है उसको हम लोगों को जरूरत है जानने की। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 फेसेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। बेसिकली हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ फेसेस है किस तरह से हम लोग रिसर्च प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो है सबसे पहले अपना कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी डोमेन सेलेक्ट करते हैं, कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को रिसर्च करनी होती है। सिमिलरली जैसे आप लोगों ने FYP में अपने लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया था कि हम लोग जो है इस डोमेन में या इस फील्ड में हम लोग जो है अपना जो है FYP बनाएंगे, ठीक है, हम लोग कोई वो कर लेंगे, वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे या किसी हम लोग कोई जो है कोई हम लोग डेवलपमेंट साइड पे कुछ कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग रिसर्च में क्या करते हैं, कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, देन उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें से कोई प्रॉब्लम निकालते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है जिसका हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसर्च पेपर्स में आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन उसमें फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कैंसर डिटेक्शन में हम लोग चीज़ कर लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या है कैंसर की, हम कैसे इसको उसको उसकी क्योरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको यानी कि अगर हम लोग उसमें से भी एक क्वेश्चन निकाल लें, जैसे बहुत से बच्चों का मैंने जब क्लास में पूछा था
कि टॉपिक आप लोगों का क्या है, तो उन्होंने कुछ में से किसी ने ये भी कहा था कि हमारा जो है कैंसर डिटेक्शन है, ठीक है। तो कैंसर डिटेक्शन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें से हम लोग सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन एक निकाला है आपने कि कैंसर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर फिर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी रिसर्च में भी यही होता है कि हम सबसे पहले जो है एक टॉपिक निकालते हैं, टॉपिक के बाद हम लोग जो है उसमें से हम अपना प्रॉब्लम निकालते हैं, फिर प्रॉब्लम के बेस पे हम लोग जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट हम लोग रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कुछ प्रीवियस रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, किसी हम प्रीवियस का काम देखते हैं, ताकि उसी के फर्दर हम लोग आगे अपना काम कर सके, ठीक है। देन उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग जो है, जो हम लोगों ने जो उसका जो भी हम लोगों ने पैटर्न फाइंड आउट किया होता है, जो भी हम लोगों ने रीजन फाइंड आउट की होती है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस में हम लोग जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें उस कंक्लूजन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें अपनी राइटिंग में, यानी कि हम रिसर्च पेपर बना देते हैं, रिसर्च पेपर में हम अपनी राइटिंग स्किल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम पेपर राइट करते हैं या प्रेजेंटेशन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि क्या हम लोगों ने अब तक अपनी जो है क्या हम लोगों ने इसमें से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सबसे एंड में क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया होता है उसको हम शेयर करते हैं विद अदर बाय रिसर्च पेपर, बाय प्रेजेंटिंग, बाय और बाय मल्टीमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट चैलेंजेस। इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने सिलेक्टिंग का क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, फाइंडिंग रेलिवेंट सोर्सेज टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन, यानी कि अपना एक क्वेश्चन निकाला, अपना एक प्रॉब्लम निकाला, उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, ठीक है। फिर हम उसकी वैल्यूएशन और वैलिडेशन करते हैं, वैल्यूएशन और वैलिडेशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों ने उसके ऊपर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन किया उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं उसको डिटरमाइनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन मेथड, यानी कि हम लोग उसकी उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम का कंक्लूजन फाइंड आउट किया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज आर रिसर्च आर्टिकल स्कॉलर सोर्स एंड एकेडमिक सोर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास हम फाइंड आउट, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिसर्च आर्टिकल हमारे पास जो है वो बेसिकली एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, जो क्या करता है, रिपोर्टिंग मेथड्स एंड रिजल्ट्स, जो हमारे पास क्या है कि ऑफ ओरिजिनल स्टडी, ठीक है। ओरिजिनल स्टडी को क्या कह रहा होता है, वो उसकी रिपोर्ट करता है किसको, मेथड एंड रिजल्ट्स को, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं बाय द ऑथर, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है। बेसिकली जब हम रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी, ठीक है। तो प्राइमरी बेसिकली हमारे पास रिसर्च आर्टिकल क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है डिजाइंस को, मेथड्स को एंड रिजल्ट ऑफ स्टडी, यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट ऑफ स्टडी है उसको ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी रिसर्च आर्टिकल की, तो वो बेसिकली क्या, रिव्यू है हमारे पास एटलीस्ट टू प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल की, ठीक है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं इसकी कि किसके लिए है, ये बेसिकली जनरली हम बात करते हैं ये वेरी टारगेटेड ऑडियंस के लिए होता है, और ये पब्लिश क्या होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में होता है और हाई रैंक जर्नल्स में हमारे पास क्या होता है, ये पब्लिश हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात की एग्जांपल, ये बुक एंड बुक चैप्टर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि जो हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं या एकेडमिक हमारे पास सोर्स है, तो ये इसमें हमारे पास जो है बुक और बुक चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है स्कॉलरी जर्नल में और पॉपुलर मैगजीन्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया है उसकी बेस में हम लोग क्या करें, स्कॉलरी जर्नल्स को और पॉपुलर मैगजीन्स को हम लोग जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें जैसे एग्जांपल है, ठीक है, स्कॉलरी जर्नल हमारे पास क्या है, जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई पेरेंट मैगजीन है कि एग्जांपल हम लोगों ने ले ली। ऑथर में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑथर हमारे पास जो है, ये हमारे पास स्कॉलरी जर्नल जो है ये बेसिकली एक्सपर्ट्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे स्कॉलर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, या फिर जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो उसके बाद मोस्टली हम लोग एमफिल के टाइम पे भी हम लोग जो है रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, स्कॉलर्स उसमें कुछ हम लोग जो है जर्नल्स राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉपुलर मैगजीन जो है वो हमारे पास जर्नलिस्ट लिखते हैं या फिर नॉन प्रोफेशनल होते हैं, ये तो आप सबको ही मालूम होगा, ठीक है। कंटेंट हमारे पास जो होता है वो पीयर रिव्यू रिसर्च होता है, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके कंटेंट की बात करते हैं कि पॉपुलर मैगजीन में हमारे पास कंटेंट क्या होता है, वो हमारे पास करंट इवेंट्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, फिर जो भी जनरल इंटरेस्ट पीसीज हो गए, ठीक है, तो ये उसकी बेस में हमारे उसका कंटेंट ये होता है। जहाँ बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो ये हमारे पास कब पब्लिश हो रहा है, ये हमारे पास यूजली मंथली और क्वार्टरली एंड कंटेन ओनली अ सिलेक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, यानी कि ये इसके हमारे पास है। लेकिन जब हम मैगजीन्स की बात करते हैं, हमारे पास वीकली या मंथली हमारे पास इसकी पब्लिकेशन हो रही होती हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास
बहुत कम कह लें या बिल्कुल भी नहीं होती जब हम स्कॉलरी जर्नल्स की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं इसकी पॉपुलर मैगजीन्स वगैरह की, इसमें मैनी एड्स यानी कि इसमें एडवर्टाइजमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें नोट्स में हमारे पास साइटेशंस होते हैं, फुटनेट्स एंड बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेज होते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्यू और नो साइटेशंस होती हैं, ठीक है। फुटनेट्स और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेज हमारे पास यहाँ पे ना होने के बराबर की होती है हम मैगजीन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यहाँ पे भी हमारे पास स्कॉलरी आर्टिकल और उसी की बात की जा रही है, ठीक है, पॉपुलर मैगजीन्स की, तो इसमें वही डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जनरल आर्टिकल्स बुक्स एग्जांपल्स है, ठीक है, रिटन बाय एक्सपर्ट्स है, बेस्ड ऑन रिसर्च है, ठीक है, लॉगन हार्डर टू रीड हमारे पास, एंड देन हम लोग ऑल्सो नॉन एज अकेडमिक पीयर रिव्यू एंड एम्पिरिकल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है ये वही चीज़ है, ठीक है। यानी कि फिर पॉपुलर मैगजीन्स की बात की जाती है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती है मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की, मोस्ट वेबसाइट्स की बात की जा सकती है, ये कोई भी लिख सकता है, जबकि ये हमारे पास स्कॉलरी आर्टिकल्स जो है ये हमारे पास एक्सपर्ट्स इसके लिखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ओपिनियन, शॉर्टर, इजियर टू रीड है हमारे पास, ऑल्सो नॉन मास मीडिया एंड पॉपुलर प्रेस वगैरह, प्रेस पेपर्स वगैरह की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ स्कॉलरी अकेडमिक सोर्सेज। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम लोग जब इसकी बात करते हैं इसकी टाइप्स की, तो हमारे पास जर्नल आर्टिकल्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, बुक्स एंड बुक्स चैप्टर्स हैं, ठीक है। जर्नल्स की बात की जाती है तो ये पी रिव्यूड आर्टिकल्स है, सिंगल और डबल ब्लाइंड रिव्यू हम लोग इसमें कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर जो होते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लिखे जाते हैं, जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो उसमें हम लोग इसको पब्लिश कर रहे होते हैं। आप लोग जब मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से अपने पेपर को राइट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप उसमें ये वाली चीज़ें लर्न करेंगे, ठीक है। बुक एंड बुक चैप्टर जैसे हमारे पास मोस्टली जो है बुक्स आपने देखी होंगी, उसके चैप्टर्स भी अलग से पब्लिश हो रहे थे, वो भी कुछ ऑथर्स के थ्रू हो रहे होते हैं, ठीक है। नो नीड टू डेवलप द रिसर्च गैप एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैन कलेक्ट द एग्जिस्टिंग वर्क टू डेवलप अ चैप्टर कम्प्लीमेंटिंग द थीम्स ऑफ द बुक, ठीक है। अ चैप्टर माइट नॉट बी स्टैंड अलोन, यानी कि चैप्टर ऑब्वियसली बात है वो पूरे एक बुक में होता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स है, ठीक है, हम लोग जो है कुछ आर्टिकल्स की रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चार टाइप्स हैं जो हम लोग इंशाल्लाह जब आगे हम लोग जब रिसर्च कर रहे होंगे तो हम इसकी तमाम टाइप्स को वन बाय वन करके रीड करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। देन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन पेशेंट्स एंड रिसर्च आर्टिकल। अब इन दोनों के बीच में हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे पास पेशेंट्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स क्या है और इनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिकली पेशेंट हमारे पास क्या होते हैं, पेशेंट्स हमारे पास जो है वो एक न्यू आइडिया होता है। जैसे आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आप जब अपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहे हैं, कोई भी हम अपना काम देख रहे हैं, अपना एफआईपी देख रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो सबसे पहले किसी ने ईजाद किया, ठीक है, वो कम्प्लीटली एक न्यू आइडिया होता है, वो हमारे पास पेटेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास जो ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास रिसर्च में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारा कोई भी काम है वो यानी कि सेम आइडिया पे कोई दोबारा काम किया जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट द कॉपीराइट लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम किसी को भी इस बात के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते या उसे मना नहीं कर सकते कि वो डिफरेंट काम करें, यानी कि हम उसे फोर्स नहीं कर सकते वो डिफरेंट काम करें, हम उसे मना नहीं कर सकते वो एक ही आइडिया के ऊपर अपना काम कर रहा है, ठीक है। सेम आइडिया ही आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें कॉपीराइट लॉ के एक्सेप्ट के, यानी कि वो उसमें प्लेजरिज्म ना आ रहा हो, ठीक है। आप एक काम को एक आइडिया को डिफरेंट अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं इन द रिसर्च। लेकिन जहाँ पेटेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक कम्प्लीटली न्यू आइडिया होता है जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जा रहा होता है। इन दोनों में ये एक मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च फॉर द बेस्ट आर्टिकल पेपर्स, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग किस तरह से सर्च करें बेस्ट आर्टिकल्स एंड पेपर्स को, यहाँ पे हमारे पास बच्चे दो लिस्ट हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है बेस्ट आर्टिकल या पेपर अपना सर्च कर सकते हैं। एक JCR एंड MJL है। JCR यानी कि जर्नल साइटेशन रिपोर्ट और MJL मीन के मास्टर जर्नल लिस्ट, जिसके थ्रू जो है हम लोग जो है इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक रिसर्च है जो हमें क्या करता है, अलाउ करता है इवेल्यूएट करने में एंड कंपेयर करने में, ठीक है, जर्नल्स को। किसके थ्रू हम लोग ये सब कर रहे होते हैं, हम लोग साइटेशन डेटा के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें से जो है साइटेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, साइटेशन हमारे पास जो है एक ये कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी जर्नल से कोई आइडिया लिया है, कोई हम लोगों ने उसको एक आगे कह सकती हूँ कि हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक हम लोगों ने किसी रिसर्च पेपर से सिलेक्ट किया है, उसको हम लोग जब अपने पेपर में यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर
हम लोग जो है उसको साइटेशन देंगे, उसको एक रेफरेंस देंगे कि हमने यानी कि इस ऑथर का ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो फ्रेज है, ये हम लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में यूज़ किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, साइटेशन होता है। तो हम लोग जो है इस बेसिकली हम लोग क्या कर होते हैं कि इन दोनों मेथड्स JCR एंड MGL के थ्रू जो हम लोग अपने रिसर्च जो भी हमारे पास जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिक रिसोर्स हम लोग इसमें ये हमारे पास है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इवेल्युएट कर रहे थे एंड कंपेयर कर रहे होते हैं अपने जर्नल्स को, ठीक है, यूजिंग साइटेशन। देन हम जब साइटेशन की मैं आप लोगों को ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि साइटेशन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होता है इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की, तो वो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है इम्पैक्ट फैक्टर, हमारे पास जो है इम्पैक्ट फैक्टर वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ साइटेशन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ साइटेशन है हमारे पास जो भी हमारे पास JCR जो एक ईयर में होते हैं, बाय द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किससे हम लोग डिवाइड करते होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स से पब्लिश इन द टू प्रीवियस ईयर्स में, जो हमारे पास पिछले दो उसमें हो रहते हैं। अगर हमारे पास कोई एक इम्पैक्ट फैक्टर है, फॉर एग्जांपल 2.5 है हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर, उसका हमारे पास मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास आर्टिकल है पब्लिश हुआ हुआ है 1 or 2 years में, ठीक है, वो उसकी साइटेशन जो है हम लोग है उसको हम लोग साइटेड कह सकते हैं 2.5 times हुई है, ठीक है। यानी कि अगर 2.5 इम्पैक्ट फैक्टर है तो उसकी जो भी हमारे पास 1 या 2 साल में वो पब्लिश हुआ है पेपर या वो आर्टिकल, तो वो बेसिकली उसकी साइटेड जो है वो कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। 2.5 हमारे पास उसकी वो इतनी टाइम वो साइटेड हुआ होगा, ठीक है। हमारे पास हम जब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग इसके वो कॉन्फ्रेंस रैंक्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रिसर्च हमारे पास पेपर जो है वो बेस्ट है, ठीक है। देन कैन बी अवेयर ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, बिल्स लिस्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो हैं किसी भी ऑथर के आइडिया को, किसी भी ऑथर के काम को एज इट इज हम लोग अपने पास कॉपीराइट कर लें, उसे हम साइटेशंस ना दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लेजरिज्म होता है कि आप एज इट इज किसी का काम जो है अपने काम में उसको कॉपीराइट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ भी आप जो है उसको कोई साइटेशन नहीं दे रहे थे, तब हमारे पास प्लैग कहलाता है वो, ठीक है। यानी कि टू स्टील एंड पास ऑफ आइडिया और वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ऑन्स, ठीक है, किसी और के आइडिया को आप अपने पास ले रहे हैं। देन हमारे पास दूसरी डेफिनेशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड क्या कह रहे हैं, प्लेजरिज्म जो है इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एज योर ऑन विद और विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि उनकी कंसेंट के बगैर आप ये प्रोग्राम करें, ठीक है। देन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड की डेफिनेशन है कि जहाँ पे हम लोग जो है किसी के भी आइडिया को, किसी भी ऑथर के आइडिया को या उसके काम को जो है हम अपने काम में यूज़ कर लें, उसको हम अपना आइडिया अपना वर्क कह लें, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं प्लेजरिज्म के, एक डायरेक्ट एक सेल्फ है। डायरेक्ट हमारे पास क्या, वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ समवन एस वर्क विद एट्रीब्यूशन एंड कॉन्टेशन मार्क्स, ठीक है, कि हम किसी के काम को एज इट इज ही ले रहे हैं, ठीक है। देन सेल्फ केयर सबमिटिंग ऑन प्रीवियस वर्क विदाउट सीकिंग, यानी कि डायरेक्ट जो है हमारे पास किसी और के काम को है, ठीक है, लेकिन सेल्फ हमारे पास जो है वो हम लोग अपने किसी प्रीवियस काम को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल द टीचर्स। जर्नल समटाइम्स रिक्वेस्ट टू सबमिट परमिशन फ्रॉम द अदर जर्नल्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो है हमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि वो हमारे पास परमिशन वो सबमिट कराएं कि हम लोगों ने ये एज इट इज़ काम किसी का कॉपी पेस्ट किया है या कॉपीराइट किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, कैसे हम लोग अवॉइड करेंगे प्लेजरिज्म को। ऑब्वियसली बात है प्लेजरिज्म जो है वो वेरी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। देन हम लोग बात करें सीरियस इश्यूज व्हेन राइटिंग समवन सेक्शन ऑफ आर्टिकल सच एज लिटरेचर रिव्यू एंड सर्वे, ठीक है, नेवर कॉपी पेस्ट डायरेक्टली, ये तो आप सबको भी आइडिया होगा। जब हम लोग आप लोगों को नॉर्मल असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं उसमें हम लोग यही आप लोगों को एक आइडिया दे रहे होते हैं कि बात क्या रहते हैं, हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करें बल्कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें, थोड़ा सा उसमें अपने वर्ड्स ऐड करें। या फिर एक और आसान तरीका होता है कि अगर आपने अवॉइड करना है प्लेजरिज्म से, तो उसका बेस्ट आइडिया ये है कि आप किसी के भी आर्टिकल को, किसी के भी रिसर्च पेपर को या किसी भी पेपर को या किस को एक दफ़ा रीड आउट करें एंड देन उसको अपनी वर्डिंग में समरी करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक
बेस्ट आइडिया, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी की कोई कोटेशन एग्जैक्टली अच्छी लग रही है या आप चाह रहे हैं उस कोटेशन को जो है अपने पास यूज करें, तो आप उसको जो है एक साइटेशन दे सकते हैं, उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि हम लोगों ने जो है इसका ये काम अपने काम में या अपने वर्क में अपने रिसर्च पेपर में हम लोगों ने यूज़ किया, तो आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप उसको साइटेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग जो है इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। अगर यहाँ पे आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो लाइव सेशन में आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।